All right guys, hello and a very warm welcome to Shiksha. So NABARD answer writing ka 7th session hai beta. All right, abhi tak 6 question discuss kar chuke hain. 7th question hai jo aapko telegram ke upar share kiya tha maine. All right, I'll be showing you the question as well first. और किसी ने अगर अभी तक उसका आंसर नहीं लिखा है या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ था तो सर क्वेश्चन हमें नहीं पता चला था तो लास्ट सेशन के अंदर भी मैंने क्वेश्चन बताया था सेशन 6 के अंदर, ठीक है, उसके बाद भी आपके पास टाइम रहा होगा. बट स्टिल अगर आपने आंसर इसका नहीं लिखा है तो रिकमेंडेशन यही है कि आप पहले क्वेश्चन देख लीजिएगा अभी और फिर पॉज कर लीजिएगा वीडियो को, आंसर खुद से लिखिएगा एंड उसके बाद फिर वीडियो को रेफ़र कीजिएगा. एंड आंसर्स आप अपने चेक करने के लिए टेलीग्राम के ऊपर भी शेयर कर सकते हैं, वहाँ पर आपके आंसर्स को चेक करके रिव्यू भी आपका दिया जाएगा. ऑलराइट, एंड जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसके लिए आप जानते हैं कि 2000 प्लस नॉन वीडियो MCQ कोर्स आपका चल रहा है बहुत ही लो प्राइसेस के ऊपर. 300 रुपीज़ का प्राइस आपको पड़ता है आफ्टर यूजिंग द डिस्काउंट कोड ऑफ हैप्पी 50. क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करना था फटाफट से उसके ऊपर आ जाते हैं. तो इस लेक्चर में जो हमने क्वेश्चन डिस्कस करना था वो था इंडिया फ्रॉम अ मिल्क डेफिसिट नेशन टू अ मिल्क प्रोड्यूस मिल्क प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टर. आपको कमेंट करना है ये क्वेश्चन, मैंने आपको 600 वर्ड्स में लिखने को बोला था एंड 15 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है. सो इंडिया फ्रॉम अ मिल्क डेफिसिट नेशन टू अ मिल्क प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टर कमेंट. तो बेसिकली देखो, अब जनरली बच्चे कहते हैं कि सर ये थोड़ा एसे टाइप का क्वेश्चन हो गया. डेफिनेटली ये एसे टाइप का क्वेश्चन हो गया, लेकिन क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो आपके क्वेश्चन के अंदर तीन पार्ट तो रहेंगे ही रहेंगे. आपके क्वेश्चन के अंदर इंट्रोडक्शन रहेगा, आपके क्वेश्चन के अंदर बॉडी रहेगा, आपके क्वेश्चन के अंदर कंक्लूजन रहेगा. आपने ये डिसाइड कर लेना है कि अब आपने किस तरीके से इंट्रोड्यूस करना है अपने क्वेश्चन को, फिर उसमें किस तरीके से आपने बॉडी को, बॉडी के अंदर क्या पॉइंट्स डालोगे, आप कंक्लूजन के अंदर क्या पॉइंट्स डालोगे. तो देखो, इंट्रोडक्शन के अंदर तो बेसिक आप एक इंट्रोडक्शन दोगे, ठीक है, जहाँ पर आप एवोल्यूशन की बात कर सकते हो, ऑपरेशन फ्लड का इंट्रोडक्शन दे सकते हो कि इंडिया में कैसे मिल्क प्रोडक्शन का हुआ, एक बेसिक आउटलाइन आप दे दोगे, ठीक है. तो एक बिल्कुल बेसिक, यहाँ पर कोई डेफिनेशन एज सच नहीं आने वाली है, ठीक है, कोई एज सच डेफिनेशन यहाँ पर नहीं आने वाली है. बॉडी के अंदर फिर आप एक हिस्ट्री को ट्रैक करोगे जिसके अंदर आप थोड़ा ऑपरेशन फ्लड्स को, जो आपका 1965 के अंदर जो आपका डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बना, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बना, उसको आउटलाइन करोगे, ऑपरेशन फ्लड्स को आउटलाइन करोगे, उस ऑपरेशन फ्लड ने किस तरीके से प्रोडक्शन को इंक्रीज किया उसको आउटलाइन करोगे, किस तरीके से ब्रीड इंप्रूवमेंट से इम्प्रूव जो रिजल्ट्स आपको मिले वो आप हाईलाइट करोगे एंड फाइनली आप अपने आंसर को कंक्लूड करोगे. तो देखो, पार्ट तो तीन ही रहेंगे, इन तीन पार्ट्स के अंदर कोई कमी नहीं है, इनके साथ कोई सेक्रीफाइस नहीं हम करेंगे, ठीक है. तो लेट अस सी हाउ द आंसर कैन बी रिटन. तो इंट्रोडक्टरी पॉइंट आप सबसे पहले डाल सकते हो. तो इंट्रोडक्शन के अंदर आप सीधा से डाल सकते हो कि देखो जी, जो एवोल्यूशन है डेयरी सेक्टर का इंडिया के अंदर में, ये एक जो डेयरी कोऑपरेटिव्स हैं इन्होंने बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. स्टेलर का मतलब होता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही एक ऊंचा रोल प्ले किया है डेयरी कोऑपरेटिव्स ने, जो आई एम सॉरी, जो ऑपरेशन फ्लड के लॉन्च होने के बाद डेयरी कोऑपरेटिव्स की इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज किया गया था मिल्क सेक्टर के अंदर, और इसी से अल्टीमेटली इंडिया की जो मिल्क ग्रोथ है, जो मिल्क प्रोडक्शन की ग्रोथ है, उसको आप ट्रेस कर सकते हो. अगर मैं आज की बात करूं तो इंडिया पूरी दुनिया के अंदर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है. अराउंड दुनिया का 21% ग्लोबल मिल्क जो प्रोडक्शन होता है वो हिंदुस्तान से होता है. यानी कि अगर पूरे दुनिया में 100 लीटर दूध प्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें से 21 लीटर दूध कौन प्रोड्यूस कर रहा है? अपना प्यारा भारत, ठीक है जी. अब ये तो एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन हो गया क्योंकि इसके अंदर आपने कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं देनी है. अब सीधा हम बॉडी के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है. बॉडी के लिए बीच में हमने कनेक्टिंग पॉइंट कैसे डालना है, आप इस तरीके से कनेक्टिंग पॉइंट डाल सकते हो दैट द रोड टू बिकम द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड वॉज नॉट ईजी एज कैन बी सीन फ्रॉम द हिस्ट्री और द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. इस तरीके से कुछ कनेक्टिंग पॉइंट आप उसके अंदर डाल सकते हैं. अब हिस्टोरिकल कंडीशन की अगर हम बात करें तो 1950s और 60s की बात करें तो आज के मुकाबले सिचुएशन बड़ी ख़राब थी उस समय पे. आज जो हम कह रहे हैं ना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ये वो, उस समय पे कुछ नहीं था भैया. इंडिया जो है एक मिल्क डेफिसिट नेशन था और हम इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट थे और जो हमारी एनुअल प्रोडक्शन थी वो इंक्रीज होने की जगह डिक्रीज हो रही थी साल भर साल, ठीक
है, एक होता है ना कि प्रोडक्शन में हर साल कुछ ना कुछ बढ़ोतरी आई, तो हमारी प्रोडक्शन कम हो रही थी 1950s और 60s के पीरियड में, ये देखो एविडेंट है आपका। अब अगर आप 1950s का पीरियड देखते हो, 51 से 60 तक का पीरियड देखते हो, उस टाइम पर हमारा जो मिल्क प्रोडक्शन है वो ग्रो कर रहा था 1.64% से, लेकिन 1960s में ये कम होकर के 1.15% हो गया। तो इंक्रीज करने की जगह हम डिक्रीज कर रहे थे, हम मिल्क प्रोडक्ट जो है वो इंपोर्ट करते थे। पर कैपिटा कंजम्पशन की बात अगर मैं करूं तो पर कैपिटा कंजम्पशन भी कम हो गई 1950-51 के अंदर। जो पर कैपिटा कंजम्पशन थी, पर कैपिटा कंजम्पशन क्या होती है कि ऑन एन एवरेज देश का हर एक व्यक्ति हर रोज कितना दूध कंज्यूम कर रहा है, तो पर कैपिटा कंजम्पशन कितनी थी, सिर्फ 124 ग्राम्स पर डे। ये भी घट गई 1970 तक पहुंचते पहुंचते ये 107 ग्राम्स पर डे हो गई थी, और हमारे देश के अंदर जो पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ मिल्क थी वो वन ऑफ द लोएस्ट थी पूरी दुनिया के अंदर। इवन जो रिकमेंडेड न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स है उससे भी कम लेवल के ऊपर थी हमारी पर कैपिटा कंजम्पशन, इतना बुरा हाल था। हम आज बात करते हैं कि भाई हमारा देश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, पर कैपिटा कंजम्पशन वन ऑफ द हाईएस्ट है मिल्क की हमारे देश के अंदर, तो आज से 40 साल पहले 50 साल पहले वो वाले हालात नहीं थे। अब फर्स्ट स्टेप लिया गया एवोल्यूशन के अंदर, और पहला स्टेप तब लिया गया जब हिंदुस्तान की डेयरी इंडस्ट्री पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। एक तरीके से 21 मिलियन टन से भी कम मिल्क पर एनम हम प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है, जबकि हमारे यहाँ पर लार्जेस्ट कैटल पॉपुलेशन थी दुनिया में। दुनिया में हमारे पास थी सबसे ज्यादा कैटल पॉपुलेशन, लेकिन हम मिल्क कितना प्रोड्यूस कर रहे थे, सिर्फ 21 मिलियन टन। तो उसके बाद फिर आए हमारे शास्त्री जी। शास्त्री जी आनंद डिस्ट्रिक्ट गए गुजरात, ठीक है, उस समय पे आनंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है कॉपरेटिव सेक्टर का चलन चल रहा था डेयरी इंडस्ट्री के अंदर। तो शास्त्री जी वहां गए, शास्त्री जी ने बोला कि यार ये फॉर्मूला जो है आनंद डिस्ट्रिक्ट का, इसमें कुछ जबरदस्त बात है। 1964 में आनंद डिस्ट्रिक्ट गए शास्त्री जी, 1965 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है इसको क्रिएट कर दिया गया। और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को जो सबसे पहला काम दिया गया वो क्या था कि भैया तुमको ना ये आनंद पैटर्न ऑफ डेयरी कोऑपरेटिव्स क्रिएट करना है। इसके लिए हम एक ऑपरेशन शुरू करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे ऑपरेशन फ्लड, और इस ऑपरेशन फ्लड के अंदर तुमने ये आनंद पैटर्न ऑफ डेयरी कोऑपरेटिव को फॉलो करना है। अब ये जो आनंद पैटर्न जो था ये एक कॉपरेटिव स्ट्रक्चर था। कॉपरेटिव स्ट्रक्चर कैसे था, इसके अंदर देखो कैसे लेवल बने हुए थे। सबसे पहले आता था विलेज लेवल डेयरी कॉपरेटिव सोसाइटीज, जितने भी एक गांव के अंदर जो डेयरी फार्मर्स थे ये उनको कनेक्ट करेगा। फिर आपकी आ जाएगी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर यूनियन, अलग अलग विलेजेस में अलग अलग कॉपरेटिव को एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट लेवल यूनियन में कंबाइन किया जाएगा, एंड अल्टीमेटली स्टेट लेवल मार्केटिंग फेडरेशन। इससे क्या हुआ, मिल्क जो प्रोक्योरमेंट था वो इम्प्रूव हो गया, मिल्क प्रोक्योरमेंट जो है वो फास्ट हो गया, फार्मर को भी अच्छा पैसा रियलाइज होना शुरू हो गया कॉपरेटिव्स की वजह से। कॉपरेटिव्स के फायदे मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर जब हम सेशन नंबर 6 डिस्कस कर रहे थे उसमें भी आपको किए थे, वो एग्रीकल्चर में डेयरी सेक्टर में हर जगह पर इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। 1970 में जो आपका नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है इन्होंने आनंद पैटर्न ऑफ कॉपरेटिव्स को इंप्लीमेंट करना शुरू किया, और देश भर में कॉपरेटिव्स इस पैटर्न के ऊपर बनाने शुरू करे। और एनडीडीबी की सबसे पहली जो भागदौड़ है वो दी गई वर्गीस कुरियन के हाथ में, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिनको आप फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन भी बोलते हैं इंडिया के अंदर, ये एनडीडीबी के फर्स्ट चेयरमैन बने। आप देख रहे हो कि अब देखो आप कहोगे कि सर ये वर्गीस कुरियन फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन वाला पॉइंट डालने की जरूरत है क्या। अब अल्टीमेटली यही तो एक नंबर खींचने का जरिया होता है, आपने अपने आंसर के अंदर कुछ फैक्ट्स को इस तरीके से घुसा देना है। अब अगर मैं मिल्क एवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ देश के अंदर, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे इंडिया जो है एक डेफिसिट नेशन से एक मिल्क एक्सपोर्टर बन गया, तो उसके अंदर अगर मैं वर्गीस कुरियन की बात ना करूं, मैं फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन की बात ना करूं, मैं आनंद पैटर्न कोऑपरेटिव्स की बात ना करूं, मैं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की फाउंडेशन की बात ना करूं, तो वो आंसर क्या एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट को ट्रेस कर पा रहा है। अगर आजादी की हम बात करते हैं, इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, तो अगर मैं गांधी जी की बात ना करूं, भगत सिंह की बात ना करूं, सरदार पटेल की बात ना करूं, तो क्या वो मैंने उस टॉपिक को डिस्कस किया। तो अल्टीमेटली ये अब बच्चे ये पूछते हैं अक्सर कि सर ये फैक्ट मुझे याद नहीं रहते तो मैं नहीं डाल, देखो नहीं डालोगे तो कोई आपको गोली तो चलाने वाला है नहीं, लेकिन अल्टीमेटली जब मैंने आपको कहा कि यार आपको एक ट्रेस करना है पूरा कि डेफिसिट नेशन से कैसे, तो ये इन सारे फैक्ट्स के बिना आपका आंसर अधूरा है, ठीक है। जो ये फैक्ट्स डालेगा डेफिनेटली उसको नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये फैक्ट आपने जबरदस्ती आपके आंसर के अंदर एक एवोल्यूशन के अंदर ये ट्रेस्ड होने चाहिए।
फिर नेक्स्ट आ जाता है आपको ऑपरेशन फ्लड। अब आप ऑपरेशन फ्लड के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो है वो मेंशन करोगे, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड 3 फेजेस के अंदर बेसिकली इंप्लीमेंट किया गया। फेज वन था 1970 से 1980 का जो पीरियड है, और इस फेज की फाइनेंसिंग बेसिकली कहाँ से हुई, जो यूरोपियन यूनियन ने ना हमें डोनेट किया था, स्किम्ड मिल्क पाउडर और बटर ऑयल वगैरह डोनेट किया था। तो ये जो डोनेटेड आइटम्स थी ना, इसको हमने बेचा और इससे जो पैसा आया उससे हमने जो फेज वन है 1970 से 1980 का उसको हमने चलाया। फेज टू के अंदर 1981 से 1985 तक का था, इसमें जो मिल्क कलेक्शन शेड्स थे जहां पर मिल्क कलेक्शन किया जाता था उनको बढ़ा करके 18 से 136 पे लेकर के जाया गया। अर्बन मार्केट्स का भी एक्सपेंशन हुआ, ठीक है। बाय द एंड ऑफ 1985 43,000 सेल्फ सस्टेनिंग विलेज कोऑपरेटिव जो है वो क्रिएट किए जा चुके थे, जिनके अंदर 42,50,000 मिल्क प्रोड्यूसर्स जो है वो कवर ऑलरेडी हो चुके थे। फेज थ्री के अंदर हमने ये जो 43,000 सेल्फ सस्टेनिंग विलेजेस बनाए थे इसको और ज्यादा इंक्रीज किया, 30,000 और नए डायरी कोऑपरेटिव्स बनाए विलेज लेवल के ऊपर और 73,000 इनको कर दिया। और इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथनिंग का भी काम किया, जिससे मिल्क प्रोक्योरमेंट और मिल्क का जो वॉल्यूम्स है उसके अंदर इंक्रीज हमने देखा। अल्टीमेटली ये सारी कार्रवाई जो हमने की, इसके रिजल्ट्स क्या निकले, ऑपरेशन फ्लड से एक तो जो क्वालिटी मिल्क था, पहले क्या होता था टाउन्स एंड सिटीज में मिल्क पहुंचता नहीं था हर जगह पे, ठीक है। लेकिन अब जो मिल्क की रीच है वो हमने बढ़ा दी कंज्यूमर्स तक, ठीक है, और 700 से ज्यादा टाउन्स कवर किए जाने लगे आफ्टर ऑपरेशन फ्लड। मिडल मैन का जो सारा सिस्टम था उसको खत्म कर दिया, ठीक है। मिडल मैन जो है वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स था इंडिया के डेयरी सेक्टर के अंदर, तो अब तो मिडल मैन वाला सिस्टम ही नहीं रहा, कोऑपरेटिव फॉर्म हो गए और कोऑपरेटिव डायरेक्टली किसके साथ टच में है, कंपनीज के साथ टच में है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ टच में है, तो मिडल मैन का सिस्टम खत्म हो गया। तो मिडल मैन की वजह से सीजनल बड़ा वेरिएशन आता था प्राइस के अंदर, तो वो वेरिएशन भी हमने खत्म कर दिया, ठीक है जी। कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर जो है उससे प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन वो सब फार्मर्स के लिए भी इकोनॉमिकल हो गया, ओके। और अल्टीमेटली इंडिया का जो इम्पोर्टेड मिल्क सॉलिड्स के ऊपर डिपेंडेंस है वो आपके ऑपरेशन फ्लड से एक तरह से खत्म हो गया, ओके। अब देखो धीरे धीरे, पहले हमने अपना इम्पोर्ट, कोई भी चीज एकदम से नहीं होती ना, सबसे पहले तो हमने हमारा इम्पोर्ट खत्म किया, ठीक है, अब हम इम्पोर्ट नहीं करते। अब जब हमारी प्रोडक्शन थोड़ी और बढ़ गई तो देश इस काबिल हो गया कि वो अपनी लोकल नीड्स यानी कि अपनी देश की नीड्स को पूरा करते हुए मिल्क पाउडर हम फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करने लगे। साथ ही साथ हमने जेनेटिक इम्प्रूवमेंट के ऊपर भी काम किया मिल्किंग एनिमल्स का, एंड क्रॉस ब्रीडिंग का यूज करते हुए हमने जो प्रोडक्शन पर एनिमल है या यील्ड पर एनिमल है उसको भी इंक्रीज करने की कोशिश की। जैसे जैसे डेयरी इंडस्ट्री मॉडर्नाइज होती रही, क्योंकि पैसा आना शुरू हो गया। देखो जब किसी चीज के अंदर पैसा आना शुरू होता है तो धीरे धीरे वो अपने आप मॉडर्नाइज होनी शुरू हो जाती है। जैसे हरियाणा और पंजाब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, धीरे धीरे किसानों के पास पैसा आना शुरू हो गया, तो जब पैसा आना शुरू हो जाएगा तो आप मॉडर्नाइज हो जाओगे, आप एक्सपैंड हो जाओगे। अभी तुम्हारा टीचर है, अभी सिंपल सी बात है, कोई भी आप यूट्यूब के ऊपर क्लासेस देखते हो वो पढ़ाता है धीरे धीरे, ठीक है। उसके पास थोड़ा 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 कोई बच्चा कोर्स खरीदेगा, कुछ खरीदेगा, उसके बाद पैसा आना शुरू हो जाएगा। फिर वो अभी मैं लैपटॉप के ऊपर पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं एक डिजिटल बोर्ड लगा लूंगा, ठीक है। तो वो क्या इन्वेस्टमेंट है बच्चों के साथ बेटर कनेक्ट करने के लिए। सिमिलरली ये भी एक इन्वेस्टमेंट, पैसा आ रहा है तो आप इन्वेस्ट करोगे, ओके। मिल्क प्रोडक्शन जो 1950-51 में 17 मिलियन टन थी, 68-69 में ऑपरेशन फ्लड लॉन्च करने से पहले 21.2 मिलियन टन थी, ये 1979-78 में 10 सालों में देख रहे हो 50-51 से लेके 68-69 तक कितना ही इंक्रीज आया, सिर्फ 4 मिलियन टन का। लेकिन ऑपरेशन फ्लड लॉन्च होने के बाद 79-78 यानी कि अगले 10 साल में अराउंड आपका 9 मिलियन टन से प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, 30.4 मिलियन टन हो गया। और अगले 10 साल में ये बढ़ करके आप अब देखोगे कि 7 गुना बढ़ गया, ऑलमोस्ट 209.96 मिलियन टन हो गया 2020-21 तक आते आते, ठीक है। 1989-89-90 तक 51.4 मिलियन टन था, ओके। तो इन 3 डिकेड्स दैट इज 80s 90s एंड 20s डेयरी मिल्क कंजम्पशन इन द कंट्री ऑल्सो रोज 107 ग्राम पर पर्सन जो था 1970 में, ये बढ़ करके 427 ग्राम्स हो गया। तो ये देखो अब इस तरह का डाटा, जब बात चल रही है कि कैसे हम डेफिसिट से एक एक्सपोर्टिंग नेशन बन गए, तो ये डाटा देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और हमारी जो कंट्री की रिक्वायरमेंट है, जो हमारी पर पर्सन रिक्वायरमेंट है, या जो हमारा प्रोडक्शन है जो डोमेस्टिक यूज के प्रोडक्शन है वो भी बहुत अच्छा है। फाइनेंशियल
फाइनली आप अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हो कि देखो जी, डेयरी सेक्टर बहुत अच्छी सिग्निफिकेंस रखता है इंडिया के अंदर बहुत से रीजंस की वजह से, क्योंकि एक तो 80 मिलियन से ज़्यादा रूरल हाउसहोल्ड्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, और इन 80 मिलियन रूरल हाउसहोल्ड्स में ज़्यादातर जो है वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, लैंडलेस फार्मर्स हैं, ठीक है। और जो कॉपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, ये फार्मर्स को सेल्फ सफिशियंट बनाने में हेल्प कर रही हैं। कॉपरेटिव मॉडल जो है इसको आगे और सेक्टर्स के अंदर यूज़ करने के लिए भी सरकार को एक प्रोत्साहन इसके अंदर मिला, और कॉपरेटिव सोसाइटीज़ जेंडर, कास्ट, रिलीजन और कम्युनिटी के बेस पे नहीं, प्रोफेशन के बेस पे बेसिकली ये फॉर्म की गई। वुमेन प्रोड्यूसर्स जो डेयरी सेक्टर में एक मेजर वर्कफोर्स है, उनको भी काफ़ी यहाँ पर सपोर्ट मिला, वुमेन एम्पावरमेंट का काफ़ी काम हुआ, क्योंकि जॉब जो है स्पेशली वुमेन के लिए यहाँ पर जॉब जो है वो क्रिएट होते हुए हमें दिखी है। उसके अलावा आप पॉइंट डाल सकते हो कि गवर्नमेंट फर्दर डेयरी फार्मिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है थ्रू वेरियस इनिशिएटिव्स, जैसे कि नेशनल डेयरी प्लान हो गया, ठीक है। उसके अलावा जनधन योजना, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, इन सब के थ्रू भी एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है डेयरी फार्मर्स को प्रोवाइड की जा रही है। और भी आप स्कीम्स मेंशन कर सकते हो, अगर आपको याद है आप सरकार का गोकुल मिशन को भी मेंशन कर सकते हो यहाँ पर कंक्लूजन के अंदर ही, कि गोकुल मिशन के थ्रू सरकार ब्रीड इंप्रूवमेंट के ऊपर काम कर रही है, ठीक है। तो मल्टीपल स्कीम्स आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, लेकिन दो या तीन स्कीम्स अगर आप मेंशन कर देते हो तो वो सफिशिएंट होती है, उससे ज़्यादा कर सकते हो तो वो आपकी विल एंड विश है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आपका आंसर जो है वो कंक्लूड हो जाएगा। तो एक तरीके से हमने स्टार्ट से लेकर के एंड तक पूरी स्टोरी जो है वो कवर यहाँ पर कर ली है। ओके, उसके अलावा आप कुछ फैक्ट्स और बीच में डाल सकते हो, ये फैक्ट्स मैंने बिल्कुल अलग से रखे हैं, ठीक है। इसके अंदर मिल्क की इंपॉर्टेंस को बेसिकली हाईलाइट किया गया है कि 2001 से जून 1 जो है ये वर्ल्ड मिल्क डे, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं, FAO बेसिकली। और इंडिया के अंदर जो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन का बर्थडे होता है 26 नवंबर को, जिसको एज नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है। दिस इज अपार्ट फ्रॉम द आंसर दैट आई एम गिविंग यू द इन्फॉर्मेशन। अब इसको आप आंसर के अंदर अगर एडजस्ट कर सकते हो दैट इज वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो कोई बड़ी बात उसके अंदर नहीं है। ऑल राइट, चलिए, तो विद दिस वी विल एंड दिस पर्टिकुलर आंसर। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा ये वाले एक्सप्लेनेशन को देख करके। खुद से आंसर जरूर लिखिए, अगर एक्सप्लेनेशन पूरी देख ली है, एक्सप्लेनेशन देखने के बाद लिखो आंसर, पर खुद से खुद लिखो। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं है बेटा, कि एक बार पढ़ लिया तो कोई बात नहीं, खुद से प्रैक्टिस नहीं भी किया तो दिमाग में आ जाएगा क्वेश्चन देख करके, ये इसमें वो वाला गेम नहीं है। क्योंकि जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ पेपर के अंदर एग्जैक्टली वो क्वेश्चन तो नहीं आने वाले हैं, अल्टीमेटली सारा गेम प्रैक्टिस का है। तो अगर आप खुद से आंसर नहीं लिख रहे हो तो जितने मर्जी लेक्चर देख लो, जिस मर्जी के लेक्चर देख लो, ठीक है, जहां मर्जी से लेक्चर देख लो, कोई फायदा होने वाला नहीं है जब तक आप खुद से आंसर्स नहीं लिखेंगे। चलिए, आंसर जो भी आप लिखते हैं टेलीग्राम के ऊपर भेज सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप टेलीग्राम पे अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा, एंड हो सके तो चैनल और वीडियो को शेयर कर सकें कर दें अगर आपका पढ़ाई का टाइम वेस्ट ना हो तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।